दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पश्चिमी चंपारण जिला में कितने कॉलेजेस हैं और इन कॉलेजों में कितनी प्रकार की डिग्री दी जाती है तथा ये कहाँ पे हैं और इनकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं कि पश्चिमी चंपारण जिला में कितने कॉलेजेस आते हैं। तो पश्चिमी चंपारण जिला के कॉलेज लिस्ट में पहला नाम आता है दोस्तों MJK कॉलेज का। इस कॉलेज का पूरा नाम महारानी जानकी कुंवर कॉलेज है। इस कॉलेज की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी तथा यह कॉलेज बेतिया में है। यह कॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। इस कॉलेज में आपको BA, BBA, BSc, BCom, MA और MSc की डिग्री दी जाती है। पश्चिमी चंपारण के कॉलेज लिस्ट में दो नंबर पे आता है दोस्तों गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। इस कॉलेज का स्थापना 2019 ईस्वी में की गई थी। यह कॉलेज भी बेतिया में है तथा यह कॉलेज आर्यभट्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। इस कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। यहां से पढ़ के आप भारत में कहीं भी एक अच्छी खासी इंजीनियर पद पे काम कर सकते हैं। इस लिस्ट में तीन नंबर पे आता है दोस्तों GMC कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इस कॉलेज का स्थापना 2013 ईस्वी में की गई थी और यह कॉलेज भी बेतिया में ही है। यह कॉलेज भी आर्यभट्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। इस कॉलेज में आपको MBBS की डिग्री कराई जाती है। यहाँ पर स्टडी करके आप MBBS डॉक्टर बन सकते हैं। चार नंबर पे है RLSY कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम राम लखन सिंह यादव कॉलेज है। इस कॉलेज का स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी और यह कॉलेज भी बेतिया में ही है। यह कॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। यहाँ पे आप BA, BSc और BCom की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। लिस्ट में पांच नंबर पे आता है दोस्तों TP वर्मा कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम तारकेश्वर प्रसाद वर्मा है। इस कॉलेज की स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी और यह कॉलेज नरकटियागंज में है। यह कॉलेज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है तथा इस कॉलेज में IA, ISc, ICom, BA, BSc, BCom, BBA, BCA और BEd की डिग्री दी जाती है। छः नंबर पे है GM कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम गुलाब मेमोरियल कॉलेज है। इस कॉलेज का नाम स्वतंत्रता सेनानी शहीद गुलाब के नाम पे रखा गया है। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। यह कॉलेज भी बेतिया में है तथा यहाँ पे आप IA, ISc और ICom की स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। सात नंबर पे है PTUSTM कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम पंडित उमा शंकर तिवारी महिला कॉलेज है। इस कॉलेज की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। यह कॉलेज बगहा में है। यह कॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। इस कॉलेज में BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स और BCom ऑनर्स की डिग्री दी जाती है दोस्तों। आठ नंबर पे है MM महिला कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम महेश्वर नाथ महामाया महिला महाविद्यालय है। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। यह कॉलेज बेतिया में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से यह कॉलेज एफिलिएटेड है। इस कॉलेज में BA, BSc और BCom की डिग्री दी जाती है। नौ नंबर पे है दोस्तों बाबा भूतनाथ कॉलेज। इस कॉलेज की स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। यह कॉलेज बगहा में है। यह कॉलेज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड तथा यहाँ पर भी BA, BSc और BCom की डिग्री दी जाती है। इस लिस्ट में 10 नंबर पे आता है JS कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय है। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी और यह कॉलेज मझवलिया में है। यह कॉलेज KSDSE यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है तथा यहाँ पर आप संस्कृत में BA की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। 11 नंबर पे आता है HS कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम हरि सिंह कॉलेज है। इसकी स्थापना 1940 ईस्वी में की गई थी। यह कॉलेज बकलू हरमट में है तथा यह कॉलेज भी KSDSE यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। यहाँ पर भी आप संस्कृत में BA की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। 12 नंबर पे आता है दोस्तों राज इंटर कॉलेज। इस कॉलेज की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। यह कॉलेज बेतिया में है तथा यहाँ पर आप IA, ISc और ICom की स्टडी कर सकते हैं। 13 नंबर पे है
हारून मेमोरियल इंटर कॉलेज। इस कॉलेज का स्थापना 2017 ईस्वी में की गई थी। यह कॉलेज संतसरैया नौतन में है। यहाँ पर भी आईए, आईएससी और आईकॉम की स्टडी कराई जाती है। 14 नंबर पे है राम बहादुर इंटर कॉलेज। इस कॉलेज की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी और यह कॉलेज सिकटा में है। यहाँ पर भी आप आईए, आईएससी और आईकॉम की स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। 15 नंबर पे आता है चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इस कॉलेज की स्थापना 2016 ईस्वी में की गई थी। यह कॉलेज चनपटिया में है। यहाँ पर आप बीएड और डीईआईईडी यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री दी जाती है। ये दोनों कोर्स दो दो साल के हैं और इसकी फीस 1.5 लाख रुपये होती है। 16 नंबर पे है अब्दुल कलाम माइनॉरिटी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। इस कॉलेज की स्थापना 2009 ईस्वी में की गई थी। यह कॉलेज कटहरी साठी में है। यह कॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और यहाँ पे आप बीएड 2 साल का कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। 17 नंबर पे है एसटी टेरेसा प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज। इस कॉलेज की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। यह कॉलेज बेतिया में है। यह कॉलेज बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से एफिलिएटेड है। यहाँ पर आप पीटीटी यानी कि प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर सकते हैं और यह कोर्स करने के बाद आप पूरे बिहार में कहीं भी प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना प्राइवेट कोचिंग क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक यानी प्राइमरी टीचर का कोचिंग सेंटर आप चला सकते हैं। 18 नंबर पे है महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ सोशल वर्क। इस कॉलेज की स्थापना 2014 ईस्वी में की गई थी। यह कॉलेज भीतरवा आश्रम में है। यहाँ पर आपको बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू की डिग्री दी जाती है दोस्तों। 19 नंबर पे है जानकी संस्कृत उप शास्त्री कॉलेज। यह कॉलेज नगरियागंज में है तथा यहाँ पर संस्कृत में आपको डिप्लोमा कराया जाता है दोस्तों। इन सब कॉलेजों के अलावा भी पश्चिमी चंपारण में 75 ऐसे हाई स्कूल है जहाँ पे आपको इंटरमीडिएट की पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन ये कॉलेज के कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये अभी हाई स्कूल है इसलिए इनको इस लिस्ट में नहीं लिया गया है। जब इनको कॉलेज की दर्जा दी जाएगी तब इनको भी कॉलेज के नाम के रूप में इनको लिया जाएगा। फिलहाल ये अभी हाई स्कूल है और इनकी संख्या है 75। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आपको लगता है कि इस कॉलेज लिस्ट में कोई ऐसे कॉलेज है जिसका नाम छूट रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम अगली वीडियो में उस कॉलेज को भी इस लिस्ट में लेके आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।